हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे पंडा इनू टोकन के बारे में। इसका जो प्राइवेट सेल है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे इसका जो प्राइवेट सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसको डॉलर के अंदर 0.4×0.5 सेंट में आप इसको बाय कर पाएंगे, यानी कि $1 में लगभग 20,000 टोकन आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप इसको फर्स्ट राउंड में बाय कर लेते हैं। प्राइवेट सेल के अंदर इसमें लगभग 3 राउंड चलेगा और 3 राउंड में इसका जो प्राइस है फर्स्ट राउंड से लेकर तीसरे राउंड तक लगभग इसका प्राइस डबल होता चला जाएगा। तो आपको किस राउंड में मिलता है वो आपका लक होगा। कोशिश करिए कि फर्स्ट राउंड में आप इसको बाय करें ताकि आपका सेकेंड राउंड में जो आपका पैसा है वो डबल हो जाए, क्योंकि हर राउंड में इसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपने EIF कोइन में देखा था, जैसे प्राइवेट सेल स्टार्ट हुआ इंस्टेंटली उसका प्राइस है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर गया था। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा की तरह एक बात ध्यान रखना है जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे अपना लिमिट भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने इथरनेट को ज्वाइन किया है तो आपको पांडा इनू टोकन है या EIF कोइन बाय ही करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है, आपको फास्टली पैसा कमाना है, तो आप EIF पांडा इनू टोकन को बाय कर सकते हैं। आप इसको $1 से बाय करिए, आप इसको 100 से करिए, आप 1,000 से करिए, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। जैसे ही इसका प्राइवेट सेल पब्लिक सेल ख़त्म होगा ये इनके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगा, वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और जो आगे का प्रोसेस आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं, और काफ़ी एक्सचेंज पे भी ये लिस्टेड होने वाला है। तो ये सब बाद की बातें हैं, अभी चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं तो आपको करना क्या है, प्राइवेट सेल है वो इथरकनेक्ट की वेबसाइट के ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले आपको, अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको इथरकनेक्ट में अकाउंट बनाना होगा, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए इथरकनेक्ट में और डायरेक्ट जैसे इसका कल 5:30 बजे इसका जो प्राइवेट सेलिंग स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और ट्रोन चारों करेंसी में से कोई भी करेंसी ट्रांसफ़र करके इसको आप बाय कर सकते हैं। जो लोग नेटवर्कर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, जिनके पास टीम है, और या जो बिल्कुल नए हैं और अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है जो रेफ़र कमीशन है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने इथरकनेक्ट का अपना ID एक्टिवेट किया हुआ है। यानी कि अगर आपको रेफ़र कमीशन लेना है पांडा इनू टोकन को सेल करवाने के लिए, तो आपको इथरकनेक्ट का ID मिनिमम $55 से एक्टिवेट करना होगा। और यहाँ पे जो रेफ़र कमीशन है वो 10 लेवल तक दिया गया है, आप साइड में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो आपको इथरकनेक्ट में कमीशन मिलता है उसी तरह से 10 लेवल तक आपको रेफ़र कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे जो रेफ़र कमीशन है वो आपको पांडा इनू टोकन में नहीं मिलेगा, ECC के अंदर मिलेगा। और जो भी कमीशन आएगा उसको आप इंस्टेंटली विड्रॉल है वो कर सकते हैं। जैसे अभी EIF में भी जितना भी आपके डाउन में कोइन बाय हो रहा है उसका सारा कमीशन आपको ECC के अंदर मिलता है, तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिया गया है, जो भी आपकी टीम का जो कमीशन आएगा उसको आप ECC में कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और जो पांडा इनू टोकन है ये जैसे ही इनके एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा या कोई दूसरे एक्सचेंज पे आएगा तो आप इसको जो भी करंट रेट होगा उसके हिसाब से आप सेल कर पाएंगे। हर राउंड में इसका प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है, और अगर आप नेटवर्कर हैं तो आप यहाँ पे किस तरह से लोगों को जोड़ के एक अच्छा खासा इनकम है वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका होगा। अभी आप देखिए EIF के अंदर जिन लोगों ने स्टार्टिंग में चांस लिया तो उनका पैसा है वो अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि 10 सेंट में लोगों ने इसको बाय किया। और आज अभी मैं प्राइस देख रहा था $97 चल रहा है, 1 सितंबर से इसका विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है। आप कैलकुलेशन करके देखिए कि जिस मेंबर ने 10 सेंट में या $1 में बाय किया होगा और उसका विड्रॉल लगता है $100 में या $50 में लगता है, तो उसका पैसा लगभग 500 गुना, 50 में लगता है तो भी 500 गुना हो चुका है। लेकिन 500 गुना हुआ कब, जब उसने चांस लिया, उसने रिस्क लिया, तभी हुआ है। अगर आप ये सोचते रहेंगे नहीं कि ये स्कैम हो जाएगा, भाग जाएगा, देखिए ऑनलाइन में रिस्क है और रिस्क लेंगे तभी आप फास्टली पैसा कमा पाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी हाइप कर चुका है, काफ़ी बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रहा है इथरकनेक्ट का, EIF का, पांडा इनू टोकन का। तो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर एक अच्छे लेवल पे प्रमोशन होता है तो
तो उसका जो प्राइस बढ़ना है वो जायज़ है और बढ़ भी सकता है और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा आईडी है और सबसे ऊपर देखिए जो इनका ECC कॉइन है वो $1 से यूनिस्वैप के ऊपर लिस्टेड होने वाला है आज से लगभग 8 से 9 दिन के बाद। और ये देखिए सेकंड में आप देख सकते हैं पांडा इनू प्राइवेट सेल विल बी लाइव, ये देखिए एक दिन के बाद, लगभग एक दिन और आधा घंटा बचा है अभी। यहाँ पे देखिए लगभग 5 बजे, कल 5 बजे इसका जो प्राइवेट सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ECC बाय करना है, जैसे यूनिस्वैप पे आएगा तो बाय का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए पांडा इनू के साथ में ही बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, बाय नाउ। आपको सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है इथरकनेक्ट में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नए हैं तो आपको करना क्या है, पहले इथरकनेक्ट में आईडी बनाना है, लिंक मैंने डाल दिया है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेना है। आपकी मेल पर एक लिंक आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद लॉग इन पर जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका आईडी खुल जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो अगर आप रेफर से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना इथरकनेक्ट का आईडी एक्टिवेट करना होगा। इथरकनेक्ट का आईडी एक्टिवेट करेंगे तभी आप जो पांडा इनू टोकन है उसको बाय कर पाएंगे और अपना जो टीम है उसको भी बाय करवा पाएंगे। और यहाँ पे आपका हो सकता है कि कंडीशन भी हो, जो लोग ये सोचते हैं कि इथरकनेक्ट में अकाउंट बना के और हम डायरेक्ट पांडा इनू टोकन बाय करेंगे, ECC बाय नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इथरकनेक्ट है कंडीशन लगा दे कि आपको अपना इथरकनेक्ट का आईडी है वो एक्टिवेट करना होगा। तो पहले ही आप मिनिमम 50 से एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि EIFI के अंदर जो अभी कंडीशन है, जिन लोगों ने इथरकनेक्ट में अपना आईडी एक्टिवेट किया हुआ है उन्हें 10% विड्रॉल मिल रहा है, और जिन्होंने इथरकनेक्ट में आईडी एक्टिवेट नहीं किया उन्हें 1% विड्रॉल मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंडीशन लग जाए, तो आप कोशिश करिए कि आपका इथरकनेक्ट का आईडी है वो मिनिमम से आप एक्टिवेट कर लें। तो अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले आपको ECC बाय करना है, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ जाना है आपको, डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चार करेंसी है, इथेरियम, BNB, BTC और ट्रॉन, तो ट्रॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ट्रॉन। यहाँ पे USDT में अमाउंट डालना है, मिनिमम $50 से आपको इसको बाय करना है ECC को, और 50 से ऊपर डालिए, 55 डालिए, कन्फर्म पे क्लिक करना है और शो QR कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ट्रॉन का एड्रेस और ये अमाउंट शो करेगा, आपको अपने एक्सचेंज में जहाँ भी आपके पास ट्रॉन है वहाँ जाना है और इस एड्रेस के ऊपर ये जितना ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये भेज देना है, और ट्रॉन सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर आफ्टर ट्रांसफ़र, यहाँ क्लिक करना है, आपका ECC बाय हो जाएगा, आपका इथरकनेक्ट का आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको वापस डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे जो इथरकनेक्ट का आईडी है वो आज ही आप अपना एक्टिवेट करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे प्राइवेट सेल स्टार्ट होगा तो ये साइट हैंग भी हो सकता है। EIFI के अंदर पूरा हैंग हो गया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने, 2 लाख का कम्युनिटी है तो सभी लोग स्टार्टिंग में ही ट्राई करेंगे, तो साइट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, सर्वर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज ही अपना जो इथरकनेक्ट आईडी है वो आप एक्टिवेट कर लीजिए, और जैसे ही लाइव हो तो आप पांडा इनू टोकन को बाय कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पांडा इनू टोकन कैसे बाय करना है, जैसे ही ये बाय का ऑप्शन ओपन होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको चार करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे डिपॉजिट में मिला है ECC को बाय किया, सेम इसी तरह से आपके पास चार करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और ट्रॉन। तो आपको ट्रॉन पे क्लिक करना है, और ट्रॉन पे क्लिक करेंगे तो सेम इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सेम यही ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सेम जो आपने ECC को बाय करने में प्रोसेस किया है वही सेम प्रोसेस करना है। आपको यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालना है, मान लीजिए आप $500 से बाय करते हैं तो $500 में अमाउंट डालना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, शो QR कोड पे क्लिक करना है, और इस एड्रेस के ऊपर आपको इतना ट्रॉन है वो सेंड कर देना है, और ट्रॉन सेंड करने के बाद आप क्लिक हेयर आफ्टर ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, आपका पांडा इनू टोकन है वो बाय हो जाएगा। कितना आएगा वो करंट रेट जो भी चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से आपका जो टोकन है वो बाय हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि रेफर कमीशन है, अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपका रेफर कमीशन है आपको ECC में मिलेगा, जो भी आपके डाउन टीम में इस टोकन को बाय करेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने ECC को बाय किया, जिससे आपने EIFI को बाय किया, उसी तरह से आप पांडा इनू टोकन को बाय कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अपना जो करेंसी है, अपना जो ट्रॉन है, वो आप
तैयार रखिए, और जैसे ही प्राइवेट सेल लाइव होगा आप इंस्टेंटली इसको बाय कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आपको कितने से बाय करना है, $1 से बाय करिए, 100 से करिए, 1000 से करिए, वो सारा कुछ आपको देखना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था इसको बाय करने का, और इसका लिंक मैंने उसमें डाल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पे अपना अकाउंट बना के और इसको बाय कर सकते हैं। हो सकता है और जिस लेवल पे ये हाइप हो रहा है, जिस हिसाब से इसका प्रमोशन हो रहा है, तो लगता है कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट है वो ये दे सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।